एक जितना कमजोर होगा दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। क्या नौरा फतेही नजर आएंगी डिटेक्टिव के अवतार में? किसने मिशन पर काम किया था डेविल का? सलमान भाईजान की आज तक की सुपरहिट फिल्मों में उनकी अगर हम बात करें किक का भी नाम शामिल है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तो झंडे गाड़े थे। साथ ही साथ उन्होंने देवी और डेविल दोनों किरदारों से अपने फैंस का दिल भी जीत लिया था। और अभी से अगर हम बात करें आइकॉनिक एक्शन फिल्म को बहुत ही ज़्यादा जल्द रीमेक बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म की अगर हम बात करें दोस्तों, खासियत ये है कि अगर हम बात करें फिल्म में दिखाई गई लोकेशंस और इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियोज और फिल्म सिटी में ही हुई थी, और साथ ही इसे साउथ कोरिया, पोलैंड और स्कॉटलैंड जैसी जगहों पर भी शूट किया गया था, जिसने अगर हम बात करें फिल्म को विजुअल्स और बहुत ही ज़्यादा मसालेदार और बेहतर बना दिया था। अब जबकि किक टू बन रही है दोस्तों, तो आपको बता दें कि उसमें फिर से एक बार अच्छी लोकेशंस हमें देखने को मिलने वाली है, जिसकी कुछ शूटिंग मुंबई में तो होगी, बल्कि अगर हम बात करें कुछ बॉलीवुड की फेवरेट इंटरनेशनल लोकेशंस जैसे कि स्कॉटलैंड में भी होंगी, और साथ ही इस बार हमें दुबई, ग्रीस और टर्की जैसे लोकेशंस भी नज़र आ सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऐसे सस्पेंस वाली एक्शन फिल्में इन्हीं जगहों पर शूट की जाती है। अब अगर बात करें फिल्म के लीड एक्ट्रेस की, तो इस बार हमें सलमान के बॉस जैकलिन नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ था, इसलिए ये सलमान इस बॉयकॉट वाले ज़माने में उन्हें कास्ट करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और हो सकता है कि इस बार अगर हम बात करें दोस्तों, वो बॉलीवुड के दिलबर यानी कि नौरा फतेही को मौका दे। नौरा एक बेस्ट डांसर तो है ही है, लेकिन साथ ही में एक बेस्ट एक्ट्रेस भी है, और वो सबकी फेवरेट भी है, इसीलिए उनसे फिल्म में अगर हम बात करें एक सेफ चॉइस हो सकती है। ऐसा बात करें फिल्म्स के मेकर्स कह रहे हैं। अगर उनके किरदार की बात करें दोस्तों, तो वो एक डिटेक्टिव के किरदार में नज़र आ सकती है, जो ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर हम फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें दोस्तों, तो इस फिल्म में हमें डेविल एक मिशन पर नज़र आने वाले हैं, जो होंगे इंडिया के ड्रग्स के चलते, यानी कि जितने भी सप्लायर्स हैं उन्हें पकड़ने का उनको मिलेगा चांस, क्योंकि उनकी वजह से हमारे आज के यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा गलत दिशा में जा रहे हैं। और इसके साथ इन्वेस्टिगेशंस में उनके बड़े बड़े सप्लायर्स की अगर हम बात करें, हमें पता चलेगा जो होगा इस फिल्म का विलन, और उसे पकड़ने के लिए डेविल जाएगा आउट ऑफ द कंट्री, और वहाँ उसकी मदद करेगी नौरा, जो अगर हम बात करें वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में होगी। यानी कि देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि किस तरह से डेविल यानी कि विलन पकड़ में आता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है फिल्म के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।